30 डेज चीज के स्टॉल का आज ही डे 26। तो होता ये हो कि आज मैं बहुत ही लेट आता हूँ, मुझे आते आते 7:30 बज चुके थे, तो स्टॉल अरेंज करते करते मुझे 7:40 हो जाते हैं। तो उतने में कस्टमर्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो इन कस्टमर्स ने मुझसे लिया दो पाइनएप्पल पेस्ट्री। तो इन कस्टमर ने लेने के बाद और भी कस्टमर्स आते हैं जो पाइनएप्पल पेस्ट्री लेते। साइड में भी कस्टमर्स होते हैं जिन्होंने मुझसे 6 पाइनएप्पल पेस्ट्री पार्सल करवाया था। तो स्टॉल पे लेट आने की वजह से बहुत सारे कस्टमर्स पूछते हैं आप इतना लेट क्यों आते हो। तो स्टॉल ही नहीं, मैं केक वगैरह भी सब अकेले ही बनाता हूँ, सब कुछ मैं ही हैंडल करता हूँ, तो इस वजह से मुझे थोड़ी देर हो जाती है। तो अपना रेगुलर कस्टमर भी आ चुका था, इसने मुझे लिया था एक चॉकलेट कप केक, जो केक कप ही पूरा चॉकलेट से बना हुआ है। तो इन सब बातों में आपको बताना भूल ही गया कि आज हम हुए स्टॉल में चॉकलेट कप केक, जिसका कप आप पूरा खा सकते हो। और ये है कैरेमल चीज़ केक, ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री और पाइनएप्पल पेस्ट्री भी थी जो आते ही सेल हो चुकी थी। तो ये मैम को भी मेरा चीज़ केक बहुत ही पसंद आता है, तो ये हमेशा चीज़ केक लेके जाते हैं। तो ऐसे करते करते मुझे 9:30 हो चुके थे। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना और मैं स्टॉल पर ज़रूर आना।